छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर में इंटक ने रखी ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग। मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन इंटक बचेली के अध्यक्ष देवाशीष पॉल और सचिव आशीष यादव के नेतृत्व में मजदूरों ने परियोजना चेक पोस्ट से पैदल रैली के रूप में प्रशासनिक भवन पहुंचकर अधिशासी निदेशक बी वेंकटेश्वर लू को ज्ञापन सौंपकर परियोजनाओं में नियमित श्रेणी के कार्यों में नियोजित ठेका श्रमिकों को रेगुलराइज किए जाने की मांग रखी। रैली में रंजीत परीक्षा, राजू तामो, अशोक दीक्षित, चंद्र कुमार मंडावी, प्रदीप नायक, मन्नालाल मेश्राम, महेंद्र कश्यप, शैलेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश कोठारी, एल एन भारद्वाज, पप्पू गहलोत, नरेंद्र वर्मा, अतुल चौहान, सूर्य वर्मा, देवेन वर्मा, सुखनाथ सेठिया, प्रतिपाल जीत सिंह, बहाउद्दीन अहमद, संतोष कुमार, इंद्र कुमार महिलांगे, सीताराम नागेश, टी एम थॉमस, जसवीर सिंह, चिंता श्रीधर, प्रदीप गोलदार, सुरेश सहारे, बसंत मंडावी, पंकू राम, श्यामल मुखर्जी, गोविंद सेठिया, अमरजीत सिंह, अनूप गर्ग, विनोद मल्लाह, सुयस देवांगन, अबसार आलम, समृत देवाशीष मंडावी सहित बड़ी संख्या में एनएमडीसी कर्मचारी, ठेका श्रमिक और महिला श्रमिक और युवा इंटक के सदस्य उपस्थित थे। विनोद कुमार वर्मा, टी न्यूज, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। आज मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन द्वारा मैनेजमेंट को ठेका श्रमिकों को नियमित सेवा में लिए जाने के लिए करके ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जो है ये जितने भी ठेका श्रमिक नियमित श्रेणी के कार्यों में प्रबंधन द्वारा लगाए गए हैं, ये सभी कार्य नियमित श्रेणी के होने के कारण ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट के तहत ठेका श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते, इनको नियमित श्रेणी के रूप के श्रमिकों के रूप में कार्य दिया जाने की आवश्यकता है। इसी मांग को लेकर के हमारी यूनियन ने आज प्रबंधन को ज्ञापन देते हुए 14 दिन का नोटिस दिया है। यदि प्रबंधन इसमें एक्शन नहीं लेगी तो हमारा यूनियन डायरेक्ट एक्शन में जाएगा।